नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है लेकिन बात होगी नरगिस की, नरगिस दत्त। ये उन दिनों की बात है जब राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चमकते सितारे थे और नरगिस दत्त एक तरीके से फिल्मों को बाय बाय कह चुकी थी। सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों से किनारा कर लिया और अपने परिवार को बनाने में, सजाने संवारने में लग गई। और इधर राजेश खन्ना साल 1969 यानी कि आराधना के बाद से लगातार सिनेमा के फलक पर एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में देते रहे। 1969 से लेकर 1973 तक बैक टू बैक 15 हिट फिल्में देकर, सुपर हिट फिल्में देकर राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े और पहले सुपरस्टार बन गए। राजेश खन्ना का जलवा ऐसा था कि पूरी दुनिया उनके पीछे एक तरीके से पागल थी। हिंदुस्तान की लड़कियां उनके पीछे दीवानी थीं, लड़के उनके स्टाइल में एक तरीके से उनको फॉलो किया करते थे। आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, ये वो फिल्में हैं जो राजेश खन्ना ने एक के बाद एक बैक टू बैक दी। और इन्हीं दिनों नरगिस, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक तरीके से बाय बाय कहकर अपने परिवार को सजाने संवारने में लग गई थी, वो भी राजेश खन्ना के इस तिलिस्म से दूर नहीं रह पाई। सुहाना सफर विद अनु कपूर में अनु कपूर इस किस्से का जिक्र करते हुए बताते हैं कि राजेश खन्ना का जलवा ऐसा था कि हर आम और खास उनका दीवाना हो गया था। लड़कियां, लड़के, उनकी उम्र से ज़्यादा हर कोई राजेश खन्ना की एक झलक पाने को बेताब रहता था। और ऐसे में सुनील दत्त साहब की पत्नी और गुजरे ज़माने की मशहूर अदाकारा जद्दन बाई की बेटी, सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की माँ यानी कि नरगिस दत्त, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपने स्टारडम का लोहा उस दौर में मनवाया जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो फीमेल एक्ट्रेस होती थी और ख़ासकर उनकी माँ जद्दन बाई, जिन्हें पहली म्यूज़िक डायरेक्टर होने का खिताब हासिल है, जो एक तवायफ के घराने से ताल्लुक़ रखती थी, उनके ऊपर भी एक पॉडकास्ट हम बना चुके हैं। उस दौर में नरगिस ने अपने आप को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर रही थी। बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने दी, बरसात भुलाई नहीं भूलेगी, और या फिर मदर इंडिया, जिसे आप भूल नहीं सकते। और वो नरगिस राजेश खन्ना की दीवानी हो गई। सुहाना सफर विद अनु कपूर में अनु कपूर बताते हैं कि एक रोज़ एक सेट पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, काका अपना शॉट दे रहे थे और उसी दौरान नरगिस वहां पर आती हैं अपनी बेटी नम्रता के साथ और काका से कहती हैं ऑटोग्राफ प्लीज। आप सोचिए, कल्पना करिए कि नरगिस जैसी इतनी बड़ी अदाकारा जब राजेश खन्ना से ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे बढ़ाती है कागज और राजेश खन्ना थोड़ी देर के लिए सकुचा जाते हैं, सोचने लगते हैं इतनी बड़ी अदाकारा मुझसे ऑटोग्राफ मांग रही है। तो नरगिस कहती हैं हाँ, ऑटोग्राफ दे दीजिए। दरअसल ये ऑटोग्राफ नरगिस की बेटी नम्रता दत्त को चाहिए था। नम्रता खुद राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन बन चुकी थी, छोटी थी लेकिन राजेश खन्ना की फिल्में उन्होंने देखी थी और जैसे सारा हिंदुस्तान पागल था, वैसे ही उसी मासूमियत के साथ नम्रता भी राजेश खन्ना को पसंद करती थी और इसीलिए अपनी माँ के साथ, नरगिस के साथ वो राजेश खन्ना से मिलने पहुंची और उनका ऑटोग्राफ लिया। उन दिनों सेल्फी लेने का ज़माना नहीं था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।